हाय एवरीवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टी जी टी नेचुरल साइंस डी एस एस बी के वी एस एंड वी एस देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विच आर मॉडरेट लेवल सो लेट्स स्टार्ट एंड जो आपके सामने ये पेपर है ये के वी एस का पेपर है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे और अगर आप स्पेशली डी एस एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर हमने लाइन वाइज डिस्कस किए हुए हैं वहाँ से देख सकते हैं फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री सल्यूशन तो हम यहाँ से बॉटम टू टॉप चलेंगे इनको समझते हुए भी चलेंगे तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं सही कथन को चुनिए तो देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अ फिज़िकल चेंज नो इट इज़ अ केमिकल चेंज तो ये तो बिल्कुल ही गलत है करेक्ट पूछा है आपको पहले ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बता देते हैं देखिए सी ओ टू सिक्स ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए सी ओ टू मीथेन ठीक है फिर उसके बाद आते हैं हमारे सी एफ सीज ये सारे क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसी के अलावा ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान रखना ये लाफिंग गैस का भी फॉर्मूला होता है उसके बाद वाटर वेपर्स तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैसेस सिक्सटी परसेंट राइट ये आपका कितना ट्वेंटी परसेंट इनका ये लेवल्स है कि भैया इतना इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो अब ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसमें पूछा है कि मीथेन वाटर वेपर्स एंड सी एफ सीज आर नॉट तो ये तो गलत है ये तो है ग्रीन हाउस गैसेज क्लोरोफिल अ ग्रीन कलर पिगमेंट एक्टेज कैटलिस तो यस ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि कैटलिस की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस में तो यही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट यूरेनियम टू थ्री फाइव इज़ नॉन रेडियो एक्टिव गलत ये तो एक रेडियो एक्टिव है तो ये स्टेटमेंट ठीक है तो इसमें आपको पूछा है सॉरी ये वाली स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है तो आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो ऑप्शन नंबर थ्री क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे विच वन इज़ नॉट अ रबी क्रॉप तो पहले हमें रबी एंड खरीफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं देखिए आपके पास दो अलग अलग तरह की वैसे तो तीन तरह की होती है पर अभी हम दो की बात करेंगे खरीफ और रबी खरीफ मतलब खेस और रबी मतलब रजाई रजाई यानी विंटर खरीफ मतलब समर सीज़न रेनी सीज़न तो देखिए बारिश में कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत पानी चाहिए जैसे कि पैडी यानी कि आपका राइस पैडी उसके बाद कॉटन भी ध्यान रखिएगा सोयाबीन ये सारी चीज़ें ज़्यादा पानी लेने वाली हैं इसके अलावा कैसे याद रखेंगे जैसे कि मेज़ है इन दिनों आप बहुत मेज़ मक्का खा रहे होंगे भुट्टा या नॉल उसके अलावा आप ग्राउंड नट कैसे याद रखेंगे देखिए सर्दियों में आपको मूँगफली की जरूरत है तो ऐसे याद रखिएगा ये अपना अपना तरीका है बहुत सारे यूट्यूब पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि कैसे मेमोनिक्स हैं लर्न करने पर मैं ऐसे ही याद रखती हूँ अब रबी क्रॉप के बारे में भी देख लेते हैं विंटर सीजन की तो देखिए आपने गेहूँ यानी रोटी के साथ आपने क्या खाया मटर की सब्ज़ी एंड ग्राम यानी चना राइट उसके बाद मस्टर्ड मस्टर्ड ये सारी ग्लिन से ये सारी की सारी बुक्स में मिल जाएंगी आपको एट्थ क्लास की सिक्स क्लास की एस एस टी की बुक्स साइंस की बुक्स ये हैं अब इसमें पूछा है नॉट अ रबी क्रॉप देखिए मस्टर्ड रबी क्रॉप है पी है व्हीट है और ब्लैक ग्राम इसमें नहीं है यहाँ ग्राम में और ब्लैक ग्राम में अंतर है देखिए कैसे ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये ब्लैक ग्राम है तो ये जो है ये खरीफ फसल है तो आप ध्यान रखिएगा ब्लैक ग्राम इज अ खरीफ फसल इससे आपको एक और फसल बिल्की याद हो गई है खरीफ का एग्जाम्पल ब्लैक ग्राम नेक्स्ट टाइम अगर पेपर में आए तो आप मतलब इसे क्विकली कर पाएंगे अगर हम ये क्वेश्चन ध्यान रखें एवरेज स्पीड देखिए डिस्टेंस कौन दो सेम डिस्टेंस होना अगर तो एवरेज स्पीड का तो सिंपल सा ही फॉर्मूला होता है ये एक्स और वाई अलग अलग स्पीड है क्या फॉर्मूला होता है टू एक्स वाई में एक्स प्लस वाई ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नहीं तो हम एक बार इसको ड्राइव भी कर लेते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें कहा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट ने सेम दूरी तय की अलग अलग स्पीड से तो ये स्पीड वी वन ये वी टू तो इसका टाइम निकाल लेते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये टी वन है टी टू निकाल लीजिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड देन टी वन टी टू निकाल लीजिए यानी कि टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन में वी वन प्लस डी अपॉन में वी टू इसका आप एल्शियम ले लीजिए तो क्या आएगा वी वन वी टू और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास वी टू डी प्लस वी वन डी इसमें से आप क्या करिए डी कॉमन ले लीजिए तो ऊपर आ गया आपके पास वी वन वी टू में वी वन वी टू ठीक है अब आप बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना है टू डी और टोटल टाइम ये है नीचे हम ये रखेंगे और वो जो नीचे लिखेंगे वी वन वी टू वो ऊपर चला जाएगा वी वन वी टू डी से डी कैंसिल तो ये आ गया टू वी वन वी टू अपोन में वी वन प्लस वी टू ये डेरिवेशन है इसके वैसे तो आप ये इसे याद रखिए क्योंकि मैथ्स में भी आते हैं क्वेश्चन रॉन्गली मैज्ड पूछा है मरकरी नियरेस्ट टू सन बिल्कुल सही बात है मरकरी बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है वीनस हॉटेस्ट प्लैनट है सैटर्न प्लानट विदाउट रिंग्स नहीं सैटर्न में तो रिंग्स होती हैं तो यही इनकरेक्ट है आप इसे पूछा था रॉन्ग तो ये है हमारा रॉन्ग नेक्स्ट मार्स तो ये इसे रेड प्लेनेट कहते हैं अब ये क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीवर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर तो पहले हमें लीवर्स के बारे में जान लेना पड़ेगा जैसे हथोड़ा वगैरह ये सब लीवर्स तो इनको पहले स्टडी करते हैं देखिए ये सारे आपके सामने लीवर्स हैं एक बार इनको स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स जैसे कि हमारा हाथ एक्सरसाइज करते हैं हम जो भी उठाते हैं वो सब भी ये लीवर्स का काम करते हैं तो इसको स्टडी करते हैं पहले हम देखेंगे पढ़ेंगे उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे देखिए आप ध्यान से देखेगा फलक्रम समझ लीजिए पहले आप कि फलक्रम क्या होता है एक पर ये देखिए जैसे कि मान आप एक काम कीजिए इसको समझ लीजिए कि भाई मुझे ना इस पत्थर को उठाना है तो मैं यहाँ से एफर्ट्स लगाऊंगी और ये मेरा क्या है लोड है लोड बोलेंगे इसको यहाँ हम क्या लगा रहे हैं एफ़र्ट और मेरा फलक्रम क्या होगा ये पॉइंट ये जो मैंने यहाँ शेप दिया है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे फलक्रम तो अब इसको समझते हैं जैसे कि सीज़र्स में भी देखिए आप आपके सामने क्या है यहाँ से आप एफर्ट लगाते हो यहाँ से कोई चीज़ कट करते हो तो ये लॉड है ये एफर्ट है और बीच में इस इस चीज़ को क्या कहेंगे हम फलक्रम तो इसी को हम स्टडी चलिए शुरू करते हैं तीन तरह के लीवर्स होते हैं तो मैं बारी बारी से तीनों को डिस्कस कर रही हूँ देखिएगा आपने जो सीज़र्स देखी अभी उसमें कहाँ पे यहाँ पे जॉइंट है यहाँ लोड होता है और यहाँ से एफर्ट लगाते हो तो जब फलक्रम बीच में हो यहाँ एफर्ट है कहीं पे लोड है तो इसे फर्स्ट ऑर्डर हम क्या कहते हैं लीवर ओके देन हम अब एक और एग्जाम्पल लेंगे सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके सामने कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और आपको एक टूल हम यूज़ करते हैं ना इसको ओपनर बोलते हैं जिसको खोलने के लिए तो आप यहाँ से नहीं एफ़र्ट लगाते हो किनारे से अब एक बात बताइए क्या फलक्रम बीच में होता है नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तो आप इस ये जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर तो उ, उस कोल्ड ड्रिंक का वो जो ढक्कन है उसको डालते हुए यानी वो लोड है और यहाँ पे ये जो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा क्या है फलक्रम यानी फलक्रम साइड में है लोड बीच में आ गया ठीक है ये से अभी उनको फ़ोटो से देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं आप वो नहीं घर में यूज़ करते हैं प्लक्कर प्लकर हो गया या स्टेपलर ले लेते हैं चलो स्टेपलर से जल्दी समझ आएगा ये स्टेपलर है इस शेप का हमारे पास या कोई टोंग है देखिए स्टेपलर में इस तरफ यहाँ पे देखिए आप एफर्ट यहाँ लगाते हो ना किनारे पे एक सेकेंड ये देखिए आप यहाँ पे क्या लगाते हैं जो मैं बता रही हूँ एफर्ट लगाते हैं आप यहाँ पे अब देखना हम यहाँ पे लोड को रखते हैं क्या अपना कोई भी पेपर मतलब वो जिसको हमें पिन पंच करना है तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया लॉर्ड बीच में यहाँ पे आप अपना यहाँ फिंगर रख दो इस पर तो ये बीच में एफर्ट्स और ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं यहाँ पे फलक्रम तो देख रहे हो एफ एल ई बीच वाला ध्यान रखना फ्ली फ्ली से याद रखना एफ एल ई ये थर्ड ऑर्डर है मैं अभी आपको सारे एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ तो डिसाइड करेंगे ये बीच वाला ध्यान रखना एफ एल ई फ्ली ये क्या है बीच में देखना कि क्या क्या होता है तो एक बात बताइएगा मान लो इसकी जगह पे वो जो चिमटा घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए चिमटा तो उसके अंदर एक बार देखिए हम लोड यहाँ रखते हैं रोटी और बीच में यहाँ से पकड़ते हैं तो एफर्ट और ये फलक्रम है तो अब बताओ ये कौन सा ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर अभी आप एग्ज़ाम्पल्स को देखिए जल्दी से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आपका बीच में क्या आ रहा है एफ़ यानी फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे भी बीच में एफ़ है तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर चलो अब एक काम करते हैं सारे ऑर्डर के एग्जाम्पल्स देखते हैं बीच में एफ आ रहा है फलक्रम तो ये फर्स्ट ऑर्डर बीच में देखो लोड आ रहा है एफ़ एल ई बताया था एफ एल ई बीच में क्या आ रहा है लोड तो सेकेंड ऑर्डर और एफर्ट अब इसको देख लेते हैं ज़रा ध्यान से एंड अब ये वाला बताइएगा ये आपके लिए होमवर्क है इसमें क्या है यहाँ से ये यह फलक्रम है ये यह हम यहाँ लोड है और बीच में यहाँ से पकड़ते हैं इस झाड़ू को ये एफर्ट है तो बताइए ये कौन सा ऑर्डर है सेकेंड है कि फर्स्ट है कि थर्ड है ठीक है एक थर्ड का एग्जाम्पल जब हम वो करते हैं कसरत करते हैं ये है हमने यहाँ पे वेट उठाया तो ये कौन सा ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर चलो अब बताइएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर तो पहला पॉइंट है इन दीज लीवर्स द एफर्ट इज़ इन बिटवीन द फलक्रम एंड लोड थर्ड ऑर्डर में एफर्ट बीच में होता है तो हाँ बिल्कुल सही है द मकैनिकल एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ लीवर इज़ नॉट इज़ मोर देन वन नो 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 ये तो गलत है इसमें डिसएडवांटेज होते हैं मकैनिकल ट्वीज़र ट्वीज़र क्या होता है मैंने जो बताया था ना आपको प्लकर वो पकड़ने के नहीं होते हैं प्लकर वो होते हैं ट्वीज़र्स एंड ह्यूमन आर्म क्या ये थर्ड ऑर्डर है हाँ ये एग्जाम्पल है तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट ठीक है ए एंड सी तो आपका ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम ये आसान क्वेश्चन है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है इलेवन तो टू एट वन इस तरीके से हम फिल करते हैं के एलेव शेल्स शेल्व्स में टू एट वन नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेवन पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एन ओपन जीप इज मूविंग कोई जीप है जो कि मूव कर रही है राइट right? और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ध्यान रखिएगा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी रुकी नहीं है गाड़ी अ पर्सन सिटिंग ऑन द फ्रंट ऑफ सीट प्रोजेक्ट अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड मतलब एक कोई बच्चा है मान लो कि कोई पर्सन है वो बॉल से खेल रहा है तो कुछ देर के बाद बॉल कहाँ जाएगी एक बात बताइए मान लो आप चलती हुई गाड़ी में खेल रहे हो तो आपको आप खुद इमेजिन कीजिए चलती हुई गाड़ी में आप खेल रहे हो कुछ भी उछाल रहे हो अपने हाथ में कोई शार्पनर कुछ भी कुछ भी अब वो जब ऐसे उछालते हो आपके हाथ में ही तो आता है ना वो तो फॉल्स बैक इन हिज हैंड वो आपके हाथ में ही आएगा क्यों अगर गाड़ी रुक जाती तो वो आगे पीछे जाता पर लेकिन जब जब क्या हुआ आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो इसीलिए हम उसे क्या करते हैं अपने हाथ में कैच कर रहे हैं तभी तो वो खेल रहा है तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ऑर्गन दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड कौन सी है जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हर्ट नेक्स्ट है वन ज़ीरो वन इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन बट नॉट फेल इसमें क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो ये नॉट पैरल टू टाइम एक्सिस ये इसके नहीं है, ऐसे है, तो इसमें बोला है, देन इट मे बी कंक्लूडेड डैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद भाई उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी सेम रहेगी तो इसमें ऑप्शन आएगा फोर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज़ कवरिंग डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्र टाइम लेब्स तो यहाँ पे कहा है कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क् एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे तो ढूंढी ऐसा द ऑब्जेक्ट इज मूविंग जीरो हाँ तो ऑप्शन नंबर टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा ये नाइन्थ क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम अ एट मेट्रिक टन एट मेट्रिक टन मतलब एट थाउजेंड के जी का इंजन ये देखिए ये हमारे पास कोई ट्रेन है ये इंजन है इसका जो वज़न दिया है वो आपको एट थाउजेंड के जी दिया है ध्यान रखिएगा इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ फाइव वैगन तो ये ये भैया पांच वैगन को खींच रहा है सबका जो वज़न है वो टू थाउजेंड के जी दिया हुआ है यहाँ पे आप समझ जाइएगा टू थाउजेंड सबका वजन है हॉरिजॉन्टल ट्रैक है एक द इंजन अ फोर्स ऑफ अब ये जो इंजन है वो इन सब पे जो फोर्स लगा रहा है यानी टोटल फोर्स नेट फोर्स वो आपको इतना दे रखा है क्योंकि ट्रैक स्मूथ है अगर मान लो ट्रैक इसको फ्रिक्शनल फोर्स देता तो हम माइनस करते तो आता है इसका फोर्स पर लेकिन यहाँ पे ट्रैक स्मूथ है देन फोर्स एग्जर्टेड बाय वेगन वन ऑन वेगन टू वेगन वन वेगन टू पे कितना फोर्स लगाएगी ये निकालना है यानी ये वेगन वन है ये वेगन टू है तो ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए आपको क्या निकालना है कि फोर्स जो वेगन वन वेगन टू पर लगाएगी भाई ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा उन सब पे ही तो लगेगा तो यहाँ पे बताइए कि इसको कितने वेगन्स को खींचना है चार तो फोर्स बराबर एम ए होता है तो चार का मास कितना हो जाएगा फोर इंटू में वन टू थ्री जीरो अब एक्सेलेशन नहीं पता तो एक काम कीजिए एक्सेलेशन निकालेंगे अब कौन सा एक्सेलेशन निकालना है वो देखिए देखिए फिर से फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए ये देखिए फोर्स सबसे पहले फोर्स कितना है आपको थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर फोर्स दे रखा है इनटू में एक्सेलरेशन निकालना है अब मास बताइए कौन सा लेंगे देखिए ये कितने वैगन्स को खींच रही है पांच वैगन्स को है ना ऊपर लिखा भी है फाइव वैगन्स कितने कितना हो जाएगा उन सबका वज़न वन थाउजेंड तो यहाँ क्या आ जाएगा वन थाउजेंड ये हमने कौन सा एक्सेलरेशन निकाला है जो इनके अंदर है टोटल एक्सेलरेशन नहीं निकाला अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालते तो हम पूरी गाड़ी का क्या लेते हैं मास नाइन्थ की बुक में दिया हुआ है पूरी गाड़ी का मास लेते पर अभी हमने सिर्फ इनमें निकाला है ठीक है इसलिए इसका मास इतना लिया है इस ए की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए अपोन में थाउजेंड जब आप इसको ये थ्री ज़ीरो से थ्री ज़ीरो कट वो टू जाइड जब आप इसको सॉल्व करेंगे ओके तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू ये आप करके देखिएगा दोबारा वॉट सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ ये तो बिल्कुल सही आंसर है एनर्जी नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टेन के जी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड देखिए इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे कहा है कि वेलोसिटी ट्रिपल किया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कुछ नहीं देखना है सीधा इसका एक छोटी सी बात है पहले काइनेटिक एनर्जी किसी की कितनी है हाफ एम वी स्क्वेयर ये पहले है अब वेलोसिटी को तीन गुना कर दिया है तो यहाँ पे थ्री वी का स्क्वायर कर दीजिए जो कि न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन मैंने बाहर ले लिया एम वी स्क्वायर तो पीछे वाले पार्ट को हम पुरानी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं ना इस पूरे पार्ट को बोल दिया और आगे क्या आ जाएगा नाइन तो यानी नई काइनेटिक एनर्जी नाइन टाइम्स है तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए कितना चेंज आया नई वाली काइनेटिक एनर्जी नाइन टाइम्स है और पुरानी काइनेटिक एनर्जी जो भी था तो कितने का चेंज आया एट टाइम्स ठीक है ये चेंज है तो अब इसको बस परसेंटेज बनाना है तो ये हो गया एट हंड्रेड परसेंट तो ये हमारा क्या है आंसर तो ऑप्शन नंबर थ्री है इसका ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट सैचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि वो डबल बॉन्ड भी नहीं होने चाहिए उसके अंदर सिंगल बॉन्ड और असाइक्लिक जिसमें कोई रिंग ना हो तो सेचूरेटेड uh, ब्यूटेन ही है इसका आंसर क्योंकि ब्यूटेन सीधा चार कार्बन की चेन होती है और कोई साइकिल नहीं होती है विच फूड गिव्स एनर्जी इंस्टेंटली तो कौन सी ऐसा फूड है जो जल्दी से एनर्जी देती है देता है तो ये है आंसर कार्बोहाइड्रेट क्योंकि फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है पर जल्दी नहीं देता है. जल्दी ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाता है जबकि फैट है वो ब्लड स्ट्रीम में जा ही नहीं पाता है लिम्स में जाता है तो इसीलिए वो धीरे धीरे ही क्या करता है पहले मिजल्स बनते हैं तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंटली एनर्जी देता है जबकि फैट नहीं दे पाता द रिसोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ पानी कहाँ से आता है भाई हमारे अर्थ पे सी माउंटेंस मॉनसून रेन जबकि इसमें सारे दे रखे हैं ऑलमोस्ट ग्राउंड वाटर तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है तो ऑप्शन नंबर क्या है फोर ये क्वेश्चन करेंगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फोर्टी के अब इसमें क्या बोला है कोई हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वजन चालीस के है और वो स्ट्रेट लाइन पे फेंका गया हो इसकी वेलोसिटी मास वेलोसिटी दे रखी है मास और वेलोसिटी कितनी है पंद्रह आगे बोला है ओके okay, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ एक बार देखिए देखिएगा यहाँ पे इसमें ये बोला है कि आपके पास कोई बॉल मान लीजिए इसका वज़न फोर्टी के है और इसकी जो वेलोसिटी है वो फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड है और वो ना ऐसे फेंका किसी चीज़ मतलब किसी फर्श पे फेंका और आगे ना वो किसी ब्लॉक से जाके उसमें ठुक गया बिल्कुल लग गया तो ये इस पर जुड़ गया एक तरह से इसको हटा दो अब इसका नया मास कितना होगा इसका वज़न दस के जी दे रखा है तो इसका टोटल वज़न कितना हो गया पचास क्योंकि फोर्टी तो इसका खुद का है अब वेलोसिटी बतानी है तो यहाँ पे वही है मोमेंटम वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम क्या रहेगा सेम तो पहले मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम पहले मोमेंटम फोर्टी इंटू फिफ्टीन बाद वाला मास कितना है फिफ्टी वेलोसिटी निकालनी है तो जीरो से ज़ीरो कैंसिल तो ये फ़ाइव नीचे चला जाएगा ये थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व लेट मी चेक ये सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री मोस्टली में थ्री आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी गलत है सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी बिकम्प्रेस ये तो सही है गैस स्प्रेड टू ऑक्यूपाई स्पेस अवेलेबल लिक्विड जब भी किसी सतह से उड़ता है उसको कूल cool कर देता है बिल्कुल सही है पसीना होता है निकलता है तो हम ठंडे ठंडा फील होता है नेक्स्ट द मास ऑफ़ जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ नाइट्रोजन आर दिस देखिए ध्यान से नाइट्रोजन का एक मोल का मास एक मोल का मास ट्वेंटी एट ग्राम होता है इसका मोलर मास ठीक है तो जीरो पॉइंट फाइव मोल में इसका फोटीन ग्राम होगा और नाइट्रोजन एटम का ख़ुद का मास वन मोल का फोर्टीन ग्राम होता है इसका अटोमिक मास और तो फिर हाफ मोल में सेवन होगा तो फोर्टीन और सेवन होना चाहिए था इन्होंने ट्वेंटी एट और फोर्टीन दे रखा है गलत नेक्स्ट ये आप ट्राई कीजिए वैसे तो बहुत ही आसान है और आप मुझे आंसर दीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन बीच में पूछा था नाइन्टी वन क्वेश्चन करते हैं टाइम दे रखा है आपको स्कूटर हैज़ वेलोसिटी ऑफ दिस अच्छा टाइम ज़ीरो पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है तो ये यू दे रखा है आपको तो यू कितना दे रखा है ट्वेंटी वन इट स्लोज डाउन रिटार्डेशन हो गया रिटार्डेशन कितना हुआ माइनस फिफ्टी लिखेंगे रिटार्डेशन को और टी दे रखा है फोर सेकेंड डी निकालना है यानी कि एस निकालना है हमें तो करिए इसको तो आपके पास एस का फॉर्मूला क्या होगा हाँ, यहाँ हाँ यू टी एस विल बी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यहाँ सारी चीज़ें पुट कर दीजिए यू कितना है आपके पास ट्वेंटी वन टी फोर है प्लस हाफ ए कितना है हमारे पास माइनस का फिफ्टी और टी फोर का स्क्वेयर यानी कि सोलह ये एट पर जाएगा और फोर वन जर फोर फोर टू जर एट माइनस ये टू एट एक ध्यान रखिएगा ये गलती किया मैंने ये ना सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको यहाँ पे इसको हंड्रेड से क्या करना पड़ेगा डिवाइड ताकि ये क्या हो जाए कट जाए इससे तो ये टू एट फिर हमारा एट फाइव सा क्या होता है फोर्टी डिवाइडेड बाई टेन यानी कि फोर तो एटी फोर माइनस फोर दैट विल कम्स आउट टू बी एटी तो आंसर क्या होगा यहाँ पे एटी मीटर तो ये है क्वेश्चन नंबर वन आपको इनमें से ये तो सारे क्वेश्चन आपको पक्का आसान लगे होंगे क्योंकि नाइन टेंथ लेवल के हैं तो आप इन्हें दोबारा कीजिए हो सकता है कोई एक ही ऐसा क्वेश्चन हो जो हम नहीं समझ रहे हो या कुछ भी स्किप हो रहा हो मतलब जल्दी हो जाए कहने का मतलब है तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू सो मच